जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि IVF क्या होता है, IVF किसे किया जाता है, आखिर IVF काहे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि IVF होता क्या है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब थोड़ा समझिए, देखिए I का मतलब हो गया इन, V का मतलब विट्रो, F का मतलब फर्टिलाइजेशन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ई का हो गया IVF का फुल फॉर्म होता है, लेकिन इसका पुराना नाम क्या है? अब पुराना नाम क्या होता है, देखिए आज के ज़माना में एक लड़का का चार ठो नाम रहेगा, रिंटू, सिंटू, पिंटू, एक ठो ओरिजिनल नाम रहेगा, कहेगा इसी नाम से हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। उसी तरह से IVF को हम पहले बोलते थे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते थे, यानी IVF का सबसे पहले क्या बोलते थे, तो टेस्ट ट्यूब बेबी। समझ गया? अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1978 में इंग्लैंड ने क्या किया था, तो IVF के विषय में बताया था। अभी सोचिए 1978 में इस सूरा इंग्लैंड कितना बड़ा देश था और कितना विकसित देश था। हमारे देश में ना 1978 में ससुरा कोनो भूखे मरता था, अरे बाप बाप हमारे देश में बड़ी गरीबी बा, हम कैसे खाएंगे। फिर भी ये सोचिए IVF के विषय में इसने बताया। तो भारत क्या कहता है, सा समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इसमें भारत को भैया पता चला है कि क्या होता है, IVF होता है। देखिए भारत को तो पहले पता चला, लेकिन हम लोगों को ये अब पता चला है कि IVF क्या होता है, लेकिन इंग्लैंड ने 1978 में बहुत पहले इसके विषय में बता दिया था। समझ गया? अब हम ही समझते हैं कि IVF आखिर होता क्या है। देखिए इसे हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बोलते हैं। अभी होता क्या है, देखिए बाजपन से पीड़ित लोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अब देखिए भैया ये बाजपन क्या होता है, देखिए जिसके पास कोई संतान नहीं होता है, जिसके पास कोई लड़का लड़की नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो बाजपन बोलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बाजपन किसको बोला जाता है, देखिए लड़की को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, लड़की को। अब मान लीजिए है लड़की है, है हो गया लड़का, क्या हो गया बाबू, है लड़का हो गया। अब एक बात बताइए, लड़की को तो हम बोलते हैं कि लड़की बाजपन है, यानी इसके पास कोई संतान नहीं है, और देहाती भाषा में बोला जाता है निसंतान, जिसके पास कोई संतान नहीं है। अब एक बात बताइए भैया, मान लीजिए है लड़की, है हो गया लवंडा। अब मान लीजिए लड़की के अंदर कोई कमी नहीं है, क्या है, कमी नहीं है, लेकिन लड़की के पास कमी है भैया, किसी भी तरह का कमी हो सकता है, या तो नपुंसक हो सकता है, चाहे ससुरा इसके पास स्पर्म नहीं बनता है, यानी कमी है। लेकिन अब मान लीजिए कमी तो लड़के के पास है, लेकिन अब इसके माध्यम से लड़की को कोई पुत्र नहीं हो सकता है, यानी कैसे होगा भैया, जब स्पर्म में कमी रहेगा तो लड़की को कोई संतान नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या बोला जाएगा इस लड़की को, बाजपन ही बोला जाएगा, यही लड़की क्या बाजपन। ये कोनो नहीं कहेगा कि गलतियाँ किसका है, लड़कवा का है कि लड़कनिया का है, फिर भी लड़की को लोग क्या बोलते हैं, तो बाजपन बोलते हैं, यानी तो क्या किया जाता है, बाजपन से उपचार किया जाता है भैया, इस लड़की को इसके माध्यम से पुत्र पैदा हो सकता है। समझ गया? अब देखिए स्त्री के अंडे और पुरुष के स्पर्म को लैब में रखा जाता है। देखिए हम बताए हैं ना कि बाजपन को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो बाजपन भैया कैसे दूर होगा, देखिए जब अंडा और स्पर्म एक साथ मिलेंगे तब ना। लेकिन अब मान लीजिए चाहे इसके अंदर कमी है चाहे इसके अंदर कमी है, फिर भी इसी को बाजपन बोलते हैं, तो क्या किया गया था, इसी के उपचार के लिए इसको बनाया गया। अब इसमें होता क्या है, देखिए है हो गया बाबू अंडा, क्या हो गया अंडा, एक किसका हो गया, तो फीमेल का है, क्या हो गया एक हो गया, और है हो गया पुरुष का स्पर्म हो गया, क्या हो गया स्पर्म। अब देखिए अंडा और स्पर्म को साथ क्या किया जाता है, तो लैब में रखा जाता है। अब मान लीजिए भाई है क्या है, इससे हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं, कितना होता है, तो दो ठोकरा, एठो हो गया एठो हो गया। अब ओवरी में क्या बनता है, तो देखिए है अंडा बनता है, क्या बनता है ओवरी में, अंडा बनता है भैया। अभी अंडा का काम क्या होता है, देखिए यहाँ से जाता है स्पर्म, क्या होता है स्पर्म जाता है फिलिपियन ट्यूब में। अब फिलिपियन ट्यूब में जो अंडा होता है और स्पर्म होता है एक साथ मिलते हैं, तो बच्चा कहाँ आता है, इस इंडोमेट्रियम के द्वार पे आके क्या करता है, चबक जाता है, और माँ के गर्भ में बच्चे का एक निर्माण होना शुरू होता है।
अब मान लीजिए भैया यहाँ बच्चा नहीं आ रहा है, अब जब बच्चा नहीं आ रहा है तो जन्म भी बच्चे का नहीं हो सकता। तो बच्चे को पैदा करने के लिए आईवीएफ का प्रयोग किया जाता है, यानी अंडा और स्पर्म को लैब में रखा जाता है। अब देखिए 3 से 5 दिन बाद इसे इनक्यूबेटर में रखते हैं, समय आने पर महिला के गर्भाशय में इसे छोड़ दिया जाता है। अब इनक्यूबेटर क्या होता है तो ध्यान से, जैसे आपके घर में क्या भैया फ्रिज है, फ्रिज का काम क्या होता है तो कहिएगा आज ले चल रहे टमाटर है, आप ससुर क्या करेंगे सड़ रहा है, तो जब टमाटर सड़ता है तो क्या करते हैं फ्रिज में डाल देते हैं। मुर्गा लाइएगा, मछली लाइएगा, कहिएगा लगता है ससुर खराब हो जाएगा, बड़ी गर्मी है, गर्मी बड़ी गर्मी बा, तो आप क्या करते हैं उसे फ्रिज में रख देते हैं। आलू टमाटर गोभी जो कुछ भी रहता है खराब होने वाला हम उसे क्या करते हैं तो फ्रिज में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, कोई भी सामान अगर खराब होने वाला होता है तो फ्रिज में हम रख देते हैं। उसी तरह से जो अंडवा होता है और स्पर्मा होता है ये खराब ना हो इसलिए क्या किया जाता है तो इनक्यूबेटर में हम क्या करते हैं उसे रख देते हैं। अब देखिए अगर महिला चाहती है जल्दी से तो जल्दी से आईवीएफ करवा सकती है, नहीं तो 10 साल 20 साल 25 साल के बाद भी क्या हो सकता है, ये दोनों क्या होते हैं एक स्टोर रहते हैं। स्टोर रहने के बाद अगर आप कहिएगा कि अब हमको बच्चा चाहिए 50 साल में 60 साल में 70 साल में ना, तो डॉक्टर सब क्या करते हैं जो भ्रूण होता है उसे निकालते हैं और क्या करते हैं ला के गर्भाशय में क्या करते हैं बाबू देखिए इसे महिला के गर्भाशय में यानी यहाँ पे क्या किया जाता है तो छोड़ दिया जाता है। और जब छोड़ दिया जाता है तो एक बात बताइए, महिला 70 साल की है ये बच्चे को नहीं पैदा कर सकती है, लेकिन आईवीएफ जब करवा लेगी तो अंडा और पुरुष का स्पर्म स्टोर रखा जाएगा और उसी को उठा के क्या किया जाता है तो 70 साल की उम्र में भी इसे गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। और जब छोड़ दिया जाएगा तो साल भर के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। समझ गया, तीत हो गया आईवीएफ के विषय में। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम ही समझते हैं आखिर क्या कमी हो जाता है कि आईवीएफ करवाना पड़ता है। चलिए चलिए अब हम ही समझते हैं कि आईवीएफ करवाने का जरूरत कहाँ पड़ता है। चलिए ध्यान समझिए, देखिए भैया पहला है स्पर्म का कमी। अब स्पर्म का कमी किसके अंदर होता है भैया तो पुरुष के अंदर। थोड़ा समझिए, देखिए है क्या है इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। तो स्पर्मो कहाँ बनता है पुरुष के अंदर तो टेस्टिसों में बनता है। अब एक बात बताइए टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है और वही स्पर्म क्या होता है अंडे से मिलता है तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन अभी बताइए पुरुष के अंदर जो टेस्टिसवा है इसमें स्पर्मो नहीं बनेगा भैया तो बच्चा नहीं पैदा हो सकता। यानी जरूरत कहाँ पड़ता है तो पुरुष के अंदर जो टेस्टिस होता है उस पर स्पर्म का कमी हो जाता है। जब स्पर्म का कमी हो जाता है तब आईवीएफ का जरूरत पड़ता है। समझ गया। अगला होता है पीसीओडी का समस्या। अभी समस्या क्या है भैया देखिए पीसीओडी क्या होता है इसके विषय में हम अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन देखिए अगर कोई भी महिला है उसको पीरियड नहीं आता है तो समझिए पीसीओडी का क्या होता है लक्षण होता है। अभी समस्या हो जाएगा भैया जब पीरियड नहीं जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। तो अगर पीसीओडी का समस्या होता है तब भी आईवीएफ करवाया जाता है। समझ में क्या। अब अगला होता है फिलिपियन ट्यूब में समस्या। ये क्या है भैया फिलिपियन ट्यूब। अब ये क्या है देखिए है क्या है इसे हम बोलते हैं रास्ता को बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब। अब एक बात बताइए ओवरी में अंडा बन रहा है ये कहाँ जा रहा है फिलिपियन ट्यूब में। लेकिन ससुर पता चलेगा ये कहीं कट गई है बन्हा गई है तो भैया कैसे दिक्कत हो जाता है। इसलिए अगर इस फिलिपियन ट्यूब इस नली में समस्या हो जाता है तब ये आईवीएफ करवाया जाता है। अगला देखिए नसबंदी। अब नसबंदी का मतलब क्या होता है तो नस को बांध देना। अब मान लीजिए भैया है क्या है इसे हम बोलते हैं वेज डिफरेंस नस। अब यही नस के माध्यम से स्पर्म क्या होता है बाहर आता है लेकिन पता चलेगा ससुरा नसिया बन्हा गई है चाहे फिलिपियन ट्यूब का नस है यह बन्हा गई है। अब जब ये बन्हा जाएगा ना ओवरी से अंडा निकलेगा यहाँ रह जाएगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। अब एक बात बताइए यहाँ रह जाएगा यहाँ पहुँचवा नहीं करेगा तो समस्या है। जैसे आप जा रहे हैं कमाने के लिए दिल्ली, आप दिल्ली जाइबे नहीं करिएगा लखनऊ से घूम घूम वापस आ जाएगा तो दिल्ली हम नहीं जा सकते। उसी तरह से जब नस बंद जाता है तो स्पर्म और अंडा एक साथ नहीं मिल पाते हैं। देखिए इंदिरा गांधी ने बहुत नसबंदी करवाया कि लोगों को बच्चे कम पैदा होंगे। जब इंदिरा गांधी थी ना तो बहुत नसबंदी करवाएगा कहें करवाएगा ताकि बच्चे पैदा ना हो। तो देखिए जब नसबंदी हो जाता है तो जब बच्चे नहीं पैदा होते हैं तो ये आईवीएफ करवा दिया जाता है। समझ गया। अब देखिए अगला है जो आईवीएफ का चक्कर होता है ये कितने दिनों तक होता है तो 6 से 8 हफ्ते लगते हैं इसको पूरा प्रोसेस
पूरा करने में। अब थोड़ा समझ, देखिए अब मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गई महिला, अगर कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है किसके माध्यम से, IVF के माध्यम से, तो कैसे पता लगाएगी कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। देखिए भैया क्या क्या होता है लक्षण, तो स्तन में सूजन होना। अब देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्तन, क्या होता है स्तन होता है, और एक इसे हम बोलते हैं निपिल, क्या होता है ये निपिल होता है, और बच्चा क्या करता है इसी को अपने मुख में रख के क्या करता है दूध को खींचता है। अब जैसे दूध को खींचता है तो सारे कोशिकाओं से दूध बाहर आता है और बच्चा आसानी से दूध को पीता है, तो क्या होता है जो स्तन होता है इसी में क्या हो जाएगा सूजन हो जाएगा। अब जब सूजन हो जाएगा तो आपको लक्षण पता चलेगा कि IVF हमारा सफल हो रहा है, समझ में आ गया। अगला है थकान महसूस करना, अब बहुत ज़्यादा अपने आप को थका महसूस करिएगा तब आपको पता लग सकता है कि IVF हमारा ठीक ठाक चल रहा है। अब देखिए अगला होता है ना, या एम्ब्रियो ट्रांसफर से 2 हफ्ते बाद लक्षण दिखाई देते हैं। अभी क्या होता है भैया एम्ब्रियो क्या होता है, देखिए भ्रूण का प्रारंभिक अवस्था, यानी जैसे माँ के गर्भ में देखिए यहाँ पे क्या हो गया भैया बच्चा को स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखिए यही क्या है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। अब सबसे बड़ा काम किसका है भैया, तो इसी वेजाइना का है, कहाँ है देखिए जो पुरुष होता है ना इसी के माध्यम से क्या करता है संभोग करता है, यानी यहाँ पे क्या है इसे हम बोलेंगे वेजाइना बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। तो देखिए जब वेजाइना में स्पर्म को छोड़ जाता है तो ये जाके कहाँ भेजा जाता है, ये दोनों यहाँ से अंडा निकलता है और ये फिलिपियन ट्यूब में मिलते हैं और यहाँ पे बच्चा गर्भाशय में रुक जाता है, यानी सबसे बड़ा क्या होता है तो सेक्स का सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है तो वेजाइना होता है। यही क्या करता है तो अंडा और स्पर्म को मिलाने का सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है तो ये वेजाइना होता है, समझ गया। तो देखिए अब बच्चा जाके यहाँ पे रुक गया तो भ्रूण का प्रारंभिक जो अवस्था होता है उसे हम क्या बोलते हैं तो एम्ब्रियोज बोलते हैं। इतना क्वेश्चन है। अब हम ये समझते हैं भैया कि भारत में जैसे मान लीजिए इंग्लैंड ने 1978 में इसको बताया कि भैया IVF होता है, लेकिन इसका एक समय निर्धारण होना चाहिए, पता चलेगा ससुरा 100 साल में कोई बच्चा पैदा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो भारत सरकार ने क्या किया देखिए 2021 में क्या किया, सहायक प्रजनन औद्योगिकी एक अधिनियम लाया गया। अब इस अधिनियम में क्या बताया गया देखिए भैया, इसके अनुसार महिला 50 साल में और पुरुष 55 साल, यानी जो सहायक प्रजनन औद्योगिकी अधिनियम होता है इसके अंदर सरकार ने कहा कि देखो भैया जौन मेहरारू रहेगी ये 50 साल तक, जौन पुरुष रहेगा ये 55 साल तक, ये लोग क्या करवा सकते हैं तो IVF करवा सकते हैं, यानी 50 साल और 55 साल के अंदर ही पुरुष और महिला को अगर IVF करवाने का क्या किया है सरकार ने इस अधिनियम को लागू किया है। कहाँ किया भैया अभी बात बताइए, 80 साल की कोनो बूढ़ हो जाएगी और बच्चा पैदा करेगी तो लोग क्या कहेंगे इतना बूढ़ी कौन जी रहा लड़का पैदा करने का, तो सरकार ने क्या किया एक नियम को लागू कर दिया, उस नियम का नाम है सहायक प्रजनन औद्योगिकी अधिनियम, इसके अंतर्गत 50 साल महिला और 55 साल के पुरुष क्या कर सकते हैं तो IVF करवा सकते हैं। और IVF से क्या होता है भैया, तो आपको पता है IVF से बच्चे को पैदा किया जा सकता है, समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि IVF क्या होता है और बच्चा कैसे पैदा होता है, समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।